रिक्वेक आर सेबिन का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन, BHMS, उम्र 65 साल, मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, वीडियो नंबर 7। आज हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन, लीवर की समस्या के बारे में बात करेंगे। पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसमें ऑर्गेनिक फंक्शनल कंप्लेंट, मतलब लीवर में ज़्यादा खराबी आने से, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने से, हिपाटोपैथी, कोलेसिस्टोपैथी, कलकुली, डिस्टरबेंस ऑफ द बिलियरी सिक्रेशन, मतलब पित्त के सिक्रेशन में डिस्टरबेंस, हिपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, पेट में सूजन, प्रीमैच्योर स्टेटी, लैक ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, मुंह में तीता स्वाद आता है, तीखा स्वाद, गुड़गुड़ाहट, पेट में कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद और कमजोरी लगता है, इरिटेशन, हाइपोकॉन्ड्रिया। इसके लिए गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए सबसे अच्छी दवा है चाइना 30 और कल्केरिया कार 200। चाइना 30 5 बूंद 1 गिलास पानी में, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम 20 गिलास हर घंटे पे, गुड़ खा के 1 गिलास पानी पिए, बॉयल्ड गुनगुना। गुड़ खाने से डाइजेशन भी अच्छा होने लगता है, और कल्केरिया कार 200 से जो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेट में दर्द होता है, लीवर रीजन में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तनाव बना रहता है पेट में, उसमें दर्द में तुरंत आराम होता है, मतलब दवा खाने के मुश्किल से आधे घंटे 15 मिनट में ही आराम होने लगता है, और दवा जैसा दर्द हो, तेज दर्द हो तो 15 मिनट पे, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे 5-5 बूंद, एक बार चाइना 30 और फिर 15-20 मिनट में, एक आधे घंटे में कल्केरिया कार 200 लेने से दर्द में तुरंत आराम हो जाता है, और पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन भी धीरे धीरे गलने लगता है, और 1-8 महीने में तो काफ़ी सही हो जाता है, पथरी गायब होने लगता है। इसके अलावा कार्डुअस मेराइनस भी बहुत अच्छी दवा, गजब की, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लीवर, लीवर में दर्द सूजन हो जाता है, कवल हो जाता है, जॉन्डिस, पीलिया, बिलियरी कलकुली, उसमें स्टोन बनने लगता है, कोलेंगाइटिस, कोलेंगाइटिस भी हो जाता है, कोलन माने आत्म में सूजन आ जाता है, चिलिडोनियम क्यू भी बहुत अच्छी दवा है, पेशाब पीला हो, खाने के बाद गले में जलन, आँख पीली हो जाए, कवल हो जाए, पीलिया हो जाए, टट्टी बदबूदार हो, पतली टट्टी हो, पेशाब पीला हो, उसके लिए सेंसेशन ऑफ प्रेशर ऑन लीवर, लीवर दबाव ज़्यादा बनता है, बिलियरी वेसिकल
एक्सटेंडिंग टू राइट शोल्डर ब्लेड, दाहिने पीठ के पंखे में फलक में दर्द बढ़ता है। कोलिगू भी हो जाता है। कोलेस्ट्रिनम 30 या 3X बहुत अच्छी दवा है कैंसर के लिए भी। कोलेस्ट्रिनम इज बेस्ट मेडिसिन लीवर कैंसर के लिए, जो लीवर में कैंसर हो जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, जॉन्डिस, फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स, लीवर का कैंसर हो जाता है, सिरोसिस लीवर जिसको बोलते हैं। कोलोसिंथ में 200 बहुत अच्छी दवा है पेट दर्द के लिए। क्रैम्प लाइक पेन्स इन एब्डोमेन, उसमें पेट पकड़ के आदमी को दर्द में काफ़ी आराम होता है, वो सीधे खड़ा नहीं हो पाता है। पेट को कपड़े से बांधने से काफ़ी आराम होता है। एट द टाइम ऑफ पेन अकर्स, इम्प्रूवमेंट इज ऑब्टेंड थ्रू स्ट्रांग प्रेशर, मतलब पेट दर्द दबाने से बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। ऑन एब्डोमेन, पेट को दबाने से, एंड थ्रू बेंडिंग और पेट के बल झुकने से दबा के बहुत आराम मिलता है। लाइकोपोडियम लीवर की बहुत अच्छी दवा है गैस बनने के लिए। मेटियोरिज्म एंड प्लेटलेंस, बिटर टेस्ट इन माउथ, मुंह में तीखा स्वाद रहता है, तीखा लगता है। बैड ह्यूमर, चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, टट्टी नहीं होती कई दिन तक। नक्स वोमिका 200 या 30, उसमें दिमागी परेशानी की वजह से ओवर वर्क करने से, ओवर टाइम वर्क करने से, एक्सेसिव वर्क करने से हाइपोकॉन्ड्रिया लीवर, कॉन्स्टिपेशन एंड कॉग्निशन कॉन्जेशन, मतलब जकड़न कंस्ट्रिक्शन लीवर के रीजन में होता है, उकलाई मालूम होती है, बार बार उल्टी मालूम होता है। टोबैको खाने से, तंबाकू का सेवन ज़्यादा करने से, इक्टीरियस गैस्ट्रोड्यूटेनल कैट्रा, कॉन्स्टिपेशन, मिटियोरिज, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, प्लेटलेट्स बोली, उसके लिए चाइना 30 भी बहुत गजब की दवा है। गैस पूरा ढोलक की तरह से, पेट फूला रहता है। चाइना 30, कैल्केरिया का 200 देने से पेट का दर्द कम हो जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन पित्त की थैली में स्टोन जो बनता है वो भी गल जाता है। उसके लिए R1, रिक्वेक का R1 और R5 भी दवा ले सकते हैं। R7 भी बहुत फ़ायदेमंद है। R13 बवासीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।